जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नार्मदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। आरएनके कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, बीसी और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल एकदम फ्री। बहुत अच्छा शिवमय वातावरण बना हुआ है। महादेवगढ़ भक्त मंडल ब्रह्मपुर द्वारा नियमित 7 दिन से 3.25 लाख जो आप ये रुद्राक्ष देख रहे हैं उनके का शिवलिंग बनाया गया था। और चूंकि हमारी संगठनात्मक पद्धति एक से एक अनेक बनाने की, तो उस पद्धति के अनुसार हमने एक शंकर को करोड़ों ओंकार मंत्रों से अभिमंत्रित कर लोक कल्याण के लिए उसमें प्राण प्रतिष्ठा की है। और आज उन प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्षों का जो वितरण हो रहा है, जो ये एक शिवलिंग बना हुआ है, यह लाखों लोगों के गले में जाएगा। तो एक शंकर से अनेक शंकर बनाने की संगठनात्मक जो सामाजिक समरसता की पद्धति है उसमें हम लोग सफल हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि लोग कतार में व्यवस्थित लगे हैं, रुद्राक्ष प्राप्त करेंगे। और ये अनुष्ठान जो हमने किया था, ये अनुष्ठान हमारा भारत की अखंडता के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र बने इसके लिए, साथ ही हमारा ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर शीघ्र हो जाए इसके लिए हमने अनुष्ठान किया था। और शीघ्र ही हमारा ब्रह्मपुर भी ब्रह्मपुर होगा। इसकी आज हमने यहाँ पर जो है इसका नींव का पत्थर हमने गाड़ दिया है और हम सफल होंगे। अशोक परिवार हिंदू के नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो भी आपको देखकर यहाँ पे अलग जग रही है और हिंदुत्व का वातावरण बन रहा है, क्या कहते हैं? वातावरण तो जगना ही है, क्योंकि यहाँ मेरे पास अमित जी वारूड़े, मनोज जी लदवे और यहाँ पे सूरज जी जैसे ही असंख्य हमारे विकास जी जैसे योद्धा हमारे साथ, शिवाजी तानाजी सब बन के खड़े हैं, तो विजय तो प्राप्त होगी। आज हमने प्रातः 9:30 बजे से रुद्राक्ष का वितरण शुरू किया है और लोगों को बड़ा वो था, उत्साह तो था ही लेकिन घबराहट भी थी कि सीहोर में जिस प्रकार की घटना हुई, यहाँ लोगों घबराहट थी। लेकिन यहाँ हमने इतनी सुचारू व्यवस्था बनाई है कि आप देख रहे हैं कि जनाबाद तरफ से आने वाले लोगों के लिए अलग कतार है, शहर से जो आने वाले लोग उनकी अलग कतार है और दो लाइन में अलग अलग चल रहा है। महिला पुरुष एक लाइन में बड़े प्रेम से शांति के साथ कतार में आ रहे हैं और 3.5 लाख लगभग रुद्राक्ष, 3.5 लाख रुद्राक्ष यहाँ हमारे पास है। और हमको लगता है कि अंतिम व्यक्ति जो पहुँचेगा, रात में भी पहुँचेगा, उसको भी हम रुद्राक्ष देने में सफल होंगे। शहर की समाज सेवा में आगे आ रहा है, शहर में पानी पिला रहे हैं, जी चाय पिला रहे हैं, हर प्रकार से भक्तों की सेवा कर रहे हैं, ये भी एक अलग भक्ति है। आप देख रहे हैं ये जो पंक्ति है यहाँ से लेकर फवारा चौक तक, अंडा बाजार तक लगी हुई है, इधर जाएंगे तो जैनाबाद तक ये पंक्ति लगी हुई है। पूरे गांव के लोग बाहर निकल लगा कि कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई नाश्ता करवा रहा है, कोई यहाँ प्रसादी का वितरण कर रहा है। पूरा समाज, पूरा शहर सेवा में भी आगे है और रुद्राक्ष लेने में भी आगे है। वासियों को नमस्कार, मैं आ रहा हूँ 26 फरवरी 2023 की शाम को 7:30 बजे, तो मिलते हैं समृद्धि टाउनशिप खंडवा की नंबर 1 कॉलोनी में। क्या आपको पूर्ण विकसित कॉलोनी में प्लॉट या घर चाहिए? चाहिए तो चले आइए समृद्धि टाउनशिप कलेक्टेड बंगले के आगे मेन रोड खंडवा। समृद्धि टाउनशिप का आवास मेला 24-25-26 फरवरी 2023 को रखा गया है। कॉलोनीजर है दीपेश कुमार राठौर, मोबाइल नंबर 9826612701। प्यारे दोस्तों, मैं आ रहा हूँ 26 फरवरी 2023 को 3 दिवसीय आवास मेले में शिरकत करने और समृद्धि टाउनशिप।